वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर 8 है। और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 8 का वीडियो सीक्वेंस 1 हमने आपको भेजा है, उसमें हमने बताए थे कि किस तरह से जो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वेरिएशन, यानी एक ही जो एनिमल्स होते हैं उसके डिफरेंट चाइल्ड्स भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ये टॉपिक पे। उसके बाद हमने फ्यूजन के बारे में डिस्कशन किए थे। आज जो है हम रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही कुछ और भी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के हम टॉपिक्स पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8.2.2 फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो आज हम फ्रेगमेंटेशन पर रिलेटेड जो है डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो है अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के हमारे बातों को सुनिए, समझिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि उसके जस्ट नीचे आपको लिखा हुआ एक्टिविटीज़ 8.4, ठीक है। ये एक्टिविटी में क्या बताई गई है, क्या करना है, और एक्टिविटीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको MCQ भी आते हैं जो प्रैक्टिकल से इसका रिलेशन होता है। प्रैक्टिकल्स भी जो है, प्रैक्टिकल का क्लास भी हम आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, कलेक्ट वाटर फ्रॉम ए लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। इसे बताया गया है कि आप जो है कोई झील हो, ठीक है, यानी पॉन्ड हो, लैक हो, जिसका वाटर जो है, जिसका जल जो होता है और नॉर्मल ग्रीन दिखाई दे, और जिसमें कुछ जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, यानी कहा जाए जिसमें कुछ फिलामेंटल, जैसे इसको कहेंगे तंतु स्ट्रक्चर वाले संरचनाएं हो, उससे कुछ जो है आपको वाटर लेना है यानी कलेक्ट करना है। आप देखे होंगे बहुत सारे नदी तालाब ऐसे भी आपको दिखे होंगे जिनका पानी हरा हो जाता है। तो हरा होने के पीछे कुछ लॉजिक होता है, उसमें ग्रीन एल्गी का पाया जा रहा है। तो एल्गी आप देखे हैं वो फिलामेंटल्स होते हैं, ठीक है, उसमें फिलामेंट होते हैं। तो ऐसे ही वाटर को कलेक्ट करना है आपको, कहाँ से करना है बता दिया गया, पॉन्ड, ठीक है, लैक से कलेक्ट कर लेना है। सेकेंड बताई गई है, पुट 1 or 2 फिलामेंट्स ऑन ए स्लाइड। सेकेंड पॉइंट बताई गई है कि आपको जो है एक स्लाइड पर, स्लाइड माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड लगाई जाती है ना, वो स्लाइड की बात की जा रही है यहाँ, ठीक है, यानी एक स्लाइड पर 1 या 2 फिलामेंट को रखना है, ठीक है। जो पानी में जो फिलामेंट होता है ना ग्रीन एल, ठीक है, उसमें फिलामेंट को आपको उस पर रखना है, ये सेकेंड में बता दिया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑफ दिस फिलामेंट्स एंड कवर इट विथ ए कवर स्लिप। इसमें ये बताया गया है, थर्ड पॉइंट बताया गया है कि ये जो फिलामेंट वाले जो हमने मटेरियल्स को लिया उस पर जो है ग्लिसरीन की एक बूंद यानी 1 drops डाल करके जो है
कवर स्लिप से ढांक देना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बताया गया है, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब हमें जो है माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड से स्लाइड का जो है ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। स्लाइड का क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में बोला गया है, ये पॉइंट है लास्ट का, इसमें बोला गया है कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यू इन द स्पायरोगायरा फिलामेंट। इसमें बताया गया है कि क्या आप स्पायरोगायरा फिलामेंट में जो है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू जो है, ठीक है, आप पहचान सकते हैं उसे क्या, ऐसा इसमें बताया गया है। तो चलते हैं, ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट फाइव पॉइंट्स जो इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये फाइव पॉइंट्स का डिस्कशन जो है हम इसी वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। जैसा कि नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये बता दिया गया है कि जो सिंपल बॉडी का जो स्ट्रक्चर वाले जो होते हैं जिसे मल्टी सेलुलर कहा जाता है, उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए कौन सी विधि कार्य करती है, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क स्पायरोगायरा फॉर एग्जाम्पल सिंपल ब्रेक्स अप इंटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशंस दिस पीसेस और फ्रैगमेंट ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल्स कैन बी वर्क आउट द रीजन्स फॉर दिस बेस्ड ऑन वाट वी से इन एक्टिविटी 8.4। यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है, इसमें ये बातें की गई है कि कुछ जो है सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, या कह सकते हैं कि जो सिंपल बॉडी संरचना वाले होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसमें एनिमल्स में रिप्रोडक्ट करने की जो विधि होती है, ठीक है, सिंपल रिप्रोडक्ट मेथड कैन स्टिल वर्क, बता दिया गया है कि जो सरल विधियां जो होती है कार्य करने के लिए रिप्रोडक्ट का, जैसे स्पायरोगायरा का है एग्जांपल लिया गया है, ठीक है, जैसे बोला है सिंपल ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मेस्टेशन, यानी यहाँ पर बोल दिया गया है कि स्पायरोगायरा जो है वो सिंपल ग्रो होकर के जो है बड़े होकर के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, यानी बट जाता है। यह जो टुकड़ा है इस बोला फ्रैगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, यानी जो टुकड़े छोटे छोटे होकर के जो ग्रो करेगा वृद्धि करेगा वो एक नए और इंडिविजुअल्स खुद को जो है नए जीव में विकसित हो जाता है, जो कि एक्टिविटी 8.4 में जो है ऑब्जर्व करने पर
हमें इसका पेश का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कहा जाए एक सिंपल सी मेथड में अगर कहें तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो रिप्रोडक्ट सिस्टम के लिए जो एक सिंपल मेथड का यूज करता है, जिसमें एग्जांपल लिया गया है स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा जो है अपने बॉडी को स्प्लिट करके न्यू इंडिविजुअल्स ग्रो करने के लिए उसे छोड़ देता है और आगे यह प्रोसेस चलता रहता है। इसी को कहा गया है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो बातें यहाँ पर बताई गई है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट सिंपल डिवाइडेड सेल बाय सेल। द रीजन्स इज दैट मेनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अस वी हैव सीन आर नॉट सिंपल ए रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स स्पेसिफाइल्स सेल आर ऑर्गेनाइज एज टिश्यू एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इन टू ऑर्गेन्स विच देन हैव टू बी प्लेस एट डिफिनेट पोजिशन इन द बॉडी इन सच एज केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बी सेल डिविजन विल बी इम्प्रैक्टिकल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स therefore need to use more complex ways of reproduction। इसमें ये बात बताई गई है कि this is not true for all multicellular organisms। यह सभी जो है multicellular organisms होते हैं वह जो है एनिमल्स में, ये सभी एनिमल्स के लिए सही नहीं है, सभी एनिमल्स के लिए सही नहीं है, नॉट ट्रू। और वे जो होते हैं एक सिंपल रूप से जो है टिश्यू जो होते हैं ठीक है, और डिविजिबल नहीं होते। इसका रीजन यह है कि अधिकतर मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं वह डिफरेंट सेल्स का एक ग्रुप मात्र ही नहीं है, ये अपने वर्क करने के लिए जो है वह सेल्स ग्रुप होकर के, ठीक है, सेल्स जो होते हैं ग्रुप होकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और ये टिश्यू जो है ग्रुप होकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, और बॉडी में इनकी ये स्थिति भी दो पोजीशन में होते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बी सेल डिवीजन विल बी इम प्रैक्टिकल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स इन द रिप्रोडक्शन। लेकिन बहुत से ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो कॉम्प्लेक्स विधि का यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज करते हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कॉम्प्लेक्स मेथड के भी बारे में, ठीक है। यहाँ से बताया जाएगा कि बेसिक
strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized functions, following this general pattern. Reproduction in such organisms is also in the function of the specific cell type. How is reproduction to be achieved from the single cell type? If the organism itself consists of many cell types, the answer is that there must be in the single cell type in the organisms that is capable of growing, proliferating and making other cell type under the right circumstance. जैसा कि इस पैराग्राफ में बताई गई है, ए बेसिक स्ट्रेटजी यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्मेंस डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, यानी बहुत से ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें जो है जनरल रूप में अगर बात करें तो डिफरेंट प्रकार की जो है सेल्स एक बड़े काम के लिए दक्ष होती है, ठीक है। इस पैटर्न का जो है जानने कर पालन करने के लिए परिपालन करने के लिए या कह सकते हैं कि इस जनरल सामान्य व्यवस्था का परिपालन करने या करते हुए इस प्रकार की जीवों में रिप्रोडक्शन के लिए जो है विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है। अब यहाँ पर एक बात बोला, हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम द सिंगल सेल टाइप। इफ द ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल टाइप्स, यहाँ पर यह भी बोला गया है कि एनिमल्स जो होते हैं यानी ठीक है वो अनेक प्रकार की सेलों का बना होता है क्या, तो इसका आंसर हम यही कहेंगे ना कि कुछ जो है इसका आंसर के लिए हम कहेंगे कि भाई कुछ ऐसे एनिमल्स में जो होती है और सेल्स उसमें होनी भी चाहिए जिससे वो ग्रो कर सके, ठीक है। Capable of growing, proliferating and making other cells type under the right circumstance, यानी वह ग्रो कर सके, ग्रो क्रम हो उसमें, ठीक है, डिफ्यूजन हो और उसमें कुछ ऐसे सेल्स बनाने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वह है रीजेनरेशन। आप देख पा रहे हैं रीजेनरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, सॉरी हाँ, रीजेनरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कैसे होता है रीजेनरेशन का, यहाँ पर हम ये रीजेनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे। तो चलते हैं रीजेनरेशन के बारे में हम आपको डिस्कशन करते हैं। रीजेनरेशन 8.2.3 जैसा लिखा है इसमें, मीनिंगफुल फुल्ली differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow
into separated individuals. For example, simple animals like hydra and planaria can be cut into any number of pieces, and each pieces grow into the complete organisms. This is known as regeneration. See figure 8.3. 8.3 में देखने के लिए बोला गया है, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स. दिस सेल्स प्रोलाइफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल्स टाइप एंड टिश्यू. दिस चेंज, देखो यहाँ पर बताया गया है आपको, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा हमारी बातों को, कि मेनी फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. दैट इज द इंडिविजुअल्स इज समहाउ कट इन द ब्रोकन इनटू द मेनी पीसेस. मेनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. जैसे इसमें बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी को जो है पूर्ण रूप से, बात करें तो, इंडिविजुअल्स कर लेता है या स्प्लिट कर लेता है, स्प्लिट होगा, और अपने ऑर्गेनिजम्स में अनेक जो ऐसे न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स भाग से या कह सकते हैं अपने बॉडी को इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं जिससे नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होने की क्षमता होती है. बात करें कि अगर किसी कारण वश ऑर्गेनिजम्स जो है वह छत बिछत हो जाती है अथवा वह कुछ टुकड़े में टूट जाता है, इसके अनेक टुकड़े जो है ग्रो कर नए ऑर्गेनिजम्स में और डेवलप हो जाता है. जैसे यहाँ पर बताया गया हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये जो है एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो ये सरल एनिमल्स में यदि कई टुकड़ों में काट भी दिया जाए तो इसका जो है पर टुकड़ा जो है, पर पीसेस जो है वह ग्रो हो करके जो है एक न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करता है, और ये प्रोसेस ही कहलाता है आपका रीजनरेशन. हम इसका पीडीएफ आपको भेजेंगे, ठीक है, जो कि आप इसको देख सकते हैं. लिखा है सी फिगर 8.3, ठीक है. रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स. दी सेल्स प्रो लाइफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. फ्रॉम दिस में mass of cells, different cells undergo change into become various cells type in the tissue. यहाँ ये भी बातें गई है कि regeneration जो होता है वह एक विशेष cell द्वारा होता है, और इन सेलों के क्रम प्रसरण से अनेक प्रकार के जो हैं cells बन जाते हैं, और सेलों के इस group से जो है डिफरेंटेशन के दौरान जो है विभिन्न प्रकार की सेल्स और टिश्यू बनते हैं. यह डिफरेंट जो होती है बहुत ही अरेंजमेंट रूप से सीरीज में होता है, ठीक है, और ये पोजीशन को कहा गया है जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ
फिगर आपके पास दिख रहा है, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। देखो इसमें एक सिंपल सी फंडा है कि ये जो होता है एक प्लेनेरिया है, ठीक है, ये अपनी बॉडी किसी कारण से, फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस, ठीक है, जब ये जो है टूट जाता है, देखो यहाँ पर टूट गया है, ये प्लेनेरिया जो है टूट करके थ्री पीस में डिवाइड हो गया, तो ये थ्री पीस जो डिवाइड होता है वो फिर से जो है न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स डेवलप करता है, ठीक है, और ये प्रोसेस ही कहलाता है आपका रीजनरेशन। क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है, याद रहेगा, यही प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन। अब देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, देखो यहाँ पर इंडिविजुअल न्यू ग्रो ऑफ द प्लेनेरिया का हो गया। अब ये भी क्या करेगा, ये जो है प्लेनेरिया ये भी अपने बॉडी को स्प्लिट करेगा, इसे स्प्लिट करेगा, इसे करेगा और इसे करेगा, और ये फिर से पुनः जो है न्यू, ठीक है, स्पीसीज बन जाएगा यहाँ करके, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, यही प्रोसेस को कहलाता है रीजेनरेशन, ठीक है। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज इन टू बिकम वेरियस सेल्स टाइप इन द टिश्यू, दिस चेंजिंग टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू अस डेवलपमेंट, और इसी को कहा गया डेवलपमेंट नाम दिया गया। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स विल नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन द विंग कट ऑफ द एबल टू रिप्रोड्यूस। तो इस प्रकार से जो है इसका आपको हमने बताया कि किस तरह से अपने आप को डिवाइड कर लेता है, क्योंकि न्यू सेल्स डेवलप करता है, न्यू सेल्स डेवलप करके न्यू टिश्यू फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण उसमें हमेशा ये होता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।